अभी एक स्कूल में मैं यहाँ खड़ा हूँ, हाई स्कूल है। लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। तो विद्यालय में किस तरह की धांधली की जा रही है, गोरख धंधा किया जा रहा है, और इसके प्रत्यक्ष में यहाँ माइक्रो स्टूडेंट मौजूद। मुझे जानकारी है, लेकिन मैं अभी आपको जानकारी देना नहीं चाहता। गुप्त जानकारी है? गुप्त नहीं, पूरा ओपन जानकारी। क्लास में है आप? नाइन्थ में है। तो आपसे पैसा किसने लिया और किस तरह लिया? में कौन लिया पैसा? राकेश सर लिए थे। कितना पैसा? 900, 950। 950 रुपया लिए थे। रसीद दिए थे तुमको? नहीं दी गई है। आप समझ सकते हैं ये सारी कहानी इसलिए हुई है। 950। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गोरख धंधा यहाँ चल रहा है। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बताया जा रहा है कि आप समय पर आइए, समय लेके आइए। क्या आपको लगता है कि अगर मैं समय पर और समय लेके आता तो ये सारी सच्चाई आपके सामने दिखा पाता? यह अभी एक स्कूल में मैं यहाँ खड़ा हूँ, हाई स्कूल है, सरिसवा का स्कूल, जहाँ पे बताया जा रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय को सूचित कर देना चाहता हूँ अपनी रिपोर्ट के माध्यम से कि वो देखें इस विद्यालय में किस तरह की धांधली की जा रही है, गोरख धंधा किया जा रहा है, और इसके प्रत्यक्ष में यहाँ माइक्रो स्टूडेंट मौजूद हैं। स्टूडेंट्स को टीचर के द्वारा ये भी टीचर्स का कहना है कि पैसा नहीं लिया गया है अधिक, लेकिन जहां बच्चे बता रहे हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि उनको कम करके बताया जाए। ले आइए हम बच्चों को पूछते हैं। बच्चों को देखिए, शिक्षक महोदय भी आ गए। शिक्षक महोदय जी, एक एक मिनट लिए जी बताए बताए। कहाँ से हैं? मैं मोतिहारी से हूँ, ये बेतिया से। शुभ नाम क्या हुआ आपका? जितेंद्र प्रसाद जी बताएं। आप शिक्षक हैं यहाँ या किसी और? बिल्कुल सर, शिक्षक हैं। शिक्षक हैं? प्रधान शिक्षक आप ही हैं? प्रधान शिक्षक हम लोग करने यहाँ सहायक शिक्षक हैं। जी जी जी। तो आप यहाँ मेरे पास आए मतलब गलती कर रहा हूँ? नहीं, हमारा ये पूछना है आपसे कि आप हमारे कैंपस में आए, आप जी जी कर रहे हैं। जी जी, हमारे डिपार्टमेंट में ये थोड़ा सा कहा गया है कि हम लोग को जानकारी में देकर ही आपको फोटोग्राफी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतलब लाइव आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ और यहाँ पर मुझे ऐसी सूचना मिली थी कि बच्चों से अधिक पैसा लिया गया है। जब मैंने पहले आके बच्चों से बात की तो बच्चों ने मुझे बताया कि नहीं, अगर हम कुछ बोलेंगे तो सर हमारे ऊपर दबाव बनेंगे। आप कोई दबाव नहीं बनेंगे, सही बोल सकते हैं। आप परमिशन लेने के लिए सर के पास आए थे? नहीं, परमिशन की तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है। परमिशन जब लेंगे आपको पता चला डिपार्टमेंट के। क्या लेटर है? लेटर नहीं है, हम लोग दिखाएंगे बाद में। लेकिन बाद में अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे आपके विद्यालय को क्षति हो रही है तो निश्चित रूप से आप जो है परीक्षा का माहौल है, परीक्षा खत्म होने दीजिए। सब कुछ आप जो बोल रहे हैं परीक्षा का माहौल है, बच्चों सेकंड सेटिंग के परीक्षा में रहेंगे। बीच में जो है आप थोड़ा सा आइए बैठिए, उसके बाद बच्चों आप तो प्रेस वाले स्वतंत्र हैं। संदीप जी कहाँ, किस तरह का व्यवधान पड़ा है आप बताइए। यहाँ ऑन रिकॉर्ड है, हम लोग बताएंगे मेरे माध्यम से किस तरह का व्यवधान पड़ा है। एग्जामिनेशन रूम में आप ले जाए, कितने बजे समय आपके एग्जाम में ले जाने का? समय हम अभी कुछ बच्चे आपके बाहर वहाँ दिख रहे हैं, उनके ऊपर आप ध्यान कीजिए ना। आप समय ले लीजिए। डेढ़ बजे से कितना समय हो रहा है? अरे भाई साहब कितना समय हो रहा है बताइए। आप एक काम कीजिए, समय ले लीजिए, आराम से बैठते हैं। जरा आप मुझे नहीं बताइए कितना पैसा लिया गया है, आप नहीं बताएं? अभी हम आपसे नहीं कुछ बताएंगे, हमको याद भी नहीं है। ठीक, याद भी नहीं है। बच्चा किसी को पता है जी कितना पैसा लिया गया है? बच्चा लोग बच्चों से ही लिया गया ना सर, बच्चों से ही लिया गया ना। उसके बाद बच्चों से ही मुसाफिर करवा दिया जाएगा आपको। नहीं, आपसे पैसा कितना लिया गया आपको याद है? सब कुछ बताएंगे, लेकिन आप परीक्षा के बाद में आइए, आप बैठिए, परीक्षा के बाद आप सब कुछ लेके जाइए, स्टेटमेंट सभी लोग बताएंगे। नहीं नहीं, वो तो स्टेटमेंट बताएंगे, उन्होंने बताया भी है। जब मैं पहले आया तो उन्होंने बताया भी, वो क्लिप भी है मेरे पास। मैं चाह रहा था कि आपको सब नहीं बताया, वो चीज बताइए। अगर हम जबरदस्ती एक बच्चे हमारे स्कूल में ज्यादा संख्या हमारे अगर किसी बच्चे को समझाएं तो क्या सभी बच्चे हमारे कहने से बोलेंगे? वो बच्चे बोल चुके हैं। आप ऐसे बोल रहे हैं? जब मैं वहां आया था इन बच्चों का ही कह रहा था, लेकिन बच्चों ने अपना स्टेटमेंट दिया है। आप थोड़ा सा समझिए हमारे डिपार्टमेंट के मर्म को कि आप कम से कम इस संज्ञान में पहले से देके बता के और तब किसी से बच्चे के पास में जाइए, पूछिए कि हाँ क्या है। अगर उसमें मैं इंटरफेयर करूँ तो आप कहिए हमको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर, इस चीज को तो आप भी मानिए कुछ ना कुछ गड़बड़। अगर गड़बड़ नहीं होता तो आपके शिक्षक यहाँ आए थे, वो कहे कि मुझे याद नहीं है, और आप भी बताने को तैयार नहीं है। हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले आप आइए तो प्रोसेस से आइए, सिस्टम में आइए। तो क्या सिस्टम? सिस्टम आप जब जिस समय चाहेंगे उस समय आप सब लोग से आके पूछ सकते हैं। अभी लीजर है आपका? नहीं, हमारा लीजर नहीं है, अभी हमारा लीजर नहीं है। अभी बच्चे हमारे जाएंगे क्लास में परीक्षा के लिए जाएंगे। सब पैसा सब लिखा जाता है।
रसीद मिला है जो खाली एडमिशन नंबर समझिए कि इनको कोई रसीद वसीद भी नहीं मिला है, ऐसे ही पैसा ऐंठ लिया गया। पूरा सही सही पूछिए पूछिए सही 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 क्या नाम है पीछे रहो पीछे रहो कितना पैसा दिए हो दोनों को मिला के लिए हैं। देखिए इस बेचारे बच्चे को जो ठीक से बोल भी नहीं सकता है। 200 रुपए का जो खेल आपको मैं दिखा रहा हूँ, चलिए इसमें एक कड़ी और आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि इस पैसे की अवैध उगाही करने वाले लोगों में कौन कौन से लोग शामिल थे। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक कुमार यादव। दीपक कुमार यादव किस क्लास में है आप? नाइन्थ में है। तो आपसे पैसा किसने लिया और किस तरह लिया है? उस वक्त तो अनिल सर थे। अनिल सर जो इलेक्शन के 2 महीने पहले रिटायरमेंट कर गए। अच्छा, और उसके बाद राकेश सर इधर आओ। किस क्लास में हो? नाइन्थ में। कौन लिया पैसा? राकेश सर। कितना पैसा? कितना पैसा? 900, 950। 950 रुपया लिए थे। रसीद दिए थे तुमको? एडमिशन का पुर्जी मिला केवल रोल नंबर दिया गया है, बच्चों को कोई रसीद नहीं दी गई है। आप समझ सकते हैं ये सारी कहानी इसलिए हुई है ताकि बच्चों के पास कोई प्रूफ नहीं रहा। क्या नाम है आपका? कितना पैसा लिया गया? उधर देख के बोलिए तो। 900 रुपया लिया गया है। 900 देने वाला जरा हाथ उड़ाइए तो 900 रुपया कौन कम दिया है? 950। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गोरख धंधा यहाँ चल रहा है। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बताया जा रहा है कि आप समय पर आइए, समय लेके आइए। क्या आपको लगता है कि अगर मैं समय पर और समय लेके आता तो ये सारी सच्चाई आपके सामने दिखा पाता? यह संभव नहीं था, इसलिए अचानक ही आना पड़ा। और जिनके बारे में बात हो रही है कि राकेश जी ने पैसा लिया है, ये मैं प्रचार कक्ष में पहले प्रवेश करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि राकेश जी कन्या कभी सर ये बच्चियाँ अभी परेशान है। परेशान इसलिए है कि इनसे भी अधिक पैसा लिया गया है, जितनी आवश्यकता थी उससे अभी 320 रुपये बताया जा रहा है माननीय शिक्षक महोदय के द्वारा कि लेने का प्रावधान है, लेकिन इन बच्चों का कहना है कि इनसे 850 रुपये लिया गया। इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बबीता कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th में। कितना पैसा लिया गया? 450। कितना हो गया टोटल? 850 रुपया हो गया। किसने लिया पैसा? कौन सर? सर का नाम बताइए। सर का नाम आपको नहीं पता है? पहले आए सर का टीचर थे आपके? किसी को याद नहीं है टीचर का नाम? चलिए एक चीज़ बताइए मुझे, आपको कोई रसीद वगैरह दिया गया है पैसा लेने के बाद? अब आप इस चीज़ को समझिए कि कितना बड़ा गोरख धंधा है, पैसे लिए जा रहा है लेकिन कोई रसीद नहीं दिया जा रहा है, कोई पार्टी नहीं दी जा रही है ताकि ये पता ही नहीं चल सके कि कितना पैसा लिया गया, कितना वैध था, कितना अवैध था। आप लोगों का भी पैसा लिया गया है? नहीं लिया गया था। राकेश जी सर को ढूंढ लिया, काफी देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था, ढूंढ भी रहा था। जी जी,
राकेश सर, अभी लगातार बच्चों से मैंने बात की, लगभग दर्जनों बच्चों से, उनका कहना है कि उन्होंने आपको 850-950 दिए एडमिशन करने के लिए। बात सही है, आपने ऐसा पैसा लिया है? एडमिशन प्रभारी में विजय सर थे, हम थे। अच्छा, जितना ऑफिस की तरफ से, मतलब प्राचार्य महोदय के द्वारा, आपके जो हेडमास्टर साहब है उनके द्वारा बताया गया था आपको कि यार कहीं से मंत्रालय से चिट्ठी उठी आया, कैसे पता चला था आपको? बताया गया था। कौन बताया था? स्कूल की तरफ से। स्कूल की तरफ से कौन? अभी तो स्कूल की तरफ से कैसे, मतलब किसी व्यक्ति विशेष ने बताया था, क्या किया था, उसका नाम बताइए। स्कूल की तरफ से जो है बताया गया था। स्कूल की तरफ से किसने बताया था? प्रशासन के द्वारा बताया। प्रशासन की ओर से कौन था? प्रशासन का अधिकारी मान लीजिए। कौन कौन बताया? कौन बताया था? हेडमास्टर साहब बताए थे। हाँ, तो ये बोलिए ना, हेडमास्टर साहब, क्या नाम है उनका? रवि रंजन कुमार जी। हेडमास्टर साहब रवि रंजन कुमार जी ने आपको क्या बताया था, कितना पैसा लेने के लिए बताया था? कितना? 350 रुपया कैटेगरी वाइज था। कैटेगरी वाइज था। आपने कितना पैसा लिया था? एक साल हो गया। कितना पैसा लिया था? 350 एडमिशन था, 400 रजिस्ट्रेशन था। आपने रसीद दिया था? नहीं, रसीद रॉन्ग नंबर दिया। तो रसीद क्यों नहीं दिया था? रसीद के प्रावधान नहीं है क्या? रसीद उपलब्ध नहीं कराया। रसीद उपलब्ध नहीं कराया, बिना रसीद के मतलब या तो सैकड़ों स्टूडेंट का पैसा ले लिया गया। रसीद नहीं दिया गया था ना, ये तो आप मानते हैं ना कि रसीद नहीं दिया गया था? एक्स्ट्रा इनके पास नहीं है, दे दिया है हेडमास्टर साहब, नहीं दिया। एक्स्ट्रा इनके पास नहीं दिया गया था, रसीद नहीं दिया गया था। अब आप समझिए, 450 और 400 को मिला के 850 रुपया बच्चों से लिया गया, लेकिन रसीद नहीं दिया गया। अब आप समझ सकते हैं, उन्होंने सीधा बताया और ये आपके पास कोई सीधे आपको कहा गया आपने पैसा ले लिया, पैसा क्या किए, उतना पैसा कलेक्ट किए हो? पैसा बैंक चला गया। बैंक चला गया? बैंक ले जाता आपने बैंक। अच्छा, तो चला मतलब, तो फिर किस मद का पैसा था, कैसे पता चला जब रसीद ही नहीं दिए? तो एडमिशन का पैसा था, एडमिशन मतलब बिना रसीद के। तो लेजर पर कैसे मेंटेन किए हुए है कि किस मद में पैसा आया और वो रसीद? तो लेजर मेंटेन करना हम नहीं किए, हमको एडमिशन था। तो आपने पैसा किस मद दिया, लेकर डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया? एक्स्ट्रा का किए, हेडमास्टर साहब को दे दिए। आपने डायरेक्ट पैसा लेकर बैंक में जमा कर दिया? एक्स्ट्रा का किए, ये बात जान लीजिए। अभी हम विजय सर थे, दोनों मिल के हेडमास्टर साहब को अपना एक्स्ट्रा दे दिया। वही बात बोलिए ना कि आपने वो सारा पैसा कलेक्ट करके हेडमास्टर को दे दिया, उसके बाद बैंक गया। वो बैंक क्या, वो कैसे बैंक आप भेज दीजिएगा? एक्स्ट्रा बैंक कैसे चला जाएगा? जब आपने पैसा जो लेना था उससे अधिक पैसा उनके पर्सनल अकाउंट में डाल दिए थे क्या? पर्सनल अकाउंट में कैसे डाल देंगे? कहाँ डाल देते थे? वो दे दिया गया, वो अपना बैंक भेजते हैं कलेक्ट करके, एडमिशन जो प्रभारी है हम सर। अब आप समझ सकते हैं, ये सीधे कुछ बताना नहीं चाहते लेकिन फिर भी इन्होंने सब कुछ बता दिया जो मैं आपको समझा देता हूँ। एक मोटी रकम छात्रों से वसूल की गई और उसे बिना रसीद दिए हुए उस पैसे को अपने पास रख लिया गया, उसका क्या किया गया, उसका कोई लेखा जोखा मौजूद नहीं है। और लेखा जोखा वो जो पैसा था ना, हाँ सर, 150 सौ पचास पैसे 100 रुपया 50 रुपया बोला गया था कि सरस्वती पूजा होगी। अच्छा, तो पैसा कहाँ गया? आपने जो लीगल पैसा लिया उसका रसीद क्यों नहीं दिया बच्चों को? एक बार फिर दोहराता हूँ, बिना रसीद के पैसे की जबरदस्त उगाही हुई है यहाँ पर। अभी जब हम इस विद्यालय में पहुँचे तो माननीय शिक्षक महोदय हमें यहाँ ले आए और यहाँ चारों तरफ बच्चों की कतार लगी हुई है, शिक्षक महोदय यहाँ बैठे हुए हैं। तो सर, सीधा प्रश्न है, ज़्यादा घुमा फिरा नहीं है, लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है कि आपके विद्यालय में अधिक पैसा लिया गया है, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप, कौन लिया है पैसा? सर, यहाँ पैसा एक आदमी कलेक्शन नहीं करते हैं, क्लास टीचर। कितना पैसा लिया गया है एक बच्चे से, कितना पैसा लिया गया? ये फिगर सर हमको नहीं मालूम। ये फिगर आपको नहीं मालूम है? चलिए, तुम लोगों को मालूम है फिगर? कितना पैसा दिया हो जी? एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, कितना पैसा? 400। किस क्लास में हो? 9th B सेक्शन बी में। सर, ये बच्चा बता रहा है 450। आपका नोट कितना का था, कितना लेना चाहिए था? रजिस्ट्रेशन का 320 है। 320 है, 450 लिया गया। लगभग कितने स्टूडेंट हैं? तो मतलब इतने ही, तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है पर स्टूडेंट 130 रुपया अगर अधिक लिया गया है, तो समझ सकते हैं कि एक लंबा चौड़ा अमाउंट है। कितना बच्चा है? 1000 बच्चा है, 100 बता रहा है, 500 के हिसाब से। तो इतने बड़े घोटाले में कौन कौन शामिल है सर?
इतने बड़े घोटाले में कौन कौन सा अध्यापक आए की बात करिएगा। अभी तो आप बता रहे थे कि उनके अब्सेंस में आप भी अथॉरिटी हैं। हम चार दिन के लिए प्रभार में है, जब वो इवैल्यूएशन के लिए गए हैं तो सब चीज की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है कि हम ही सब आपको। अच्छा तो किस किस चीज की जिम्मेदारी आपका है चार दिन में, सर इतना ही बताइए। हमारी जिम्मेदारी गुस्सा मत होइए, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं उनसे। आप शिक्षक हैं, आप राष्ट्र के निर्माता हैं, आप गुस्सा मत होइएगा, आप प्रभोक मत कीजिए। किस चीज के लिए प्रभोक किया सर? आप जो है ऐसा हम पर आरोप मत लगाइए, आप किस चीज के प्रभारी हैं? हम जब कोई आदमी नहीं रहता है, सर आप अपने घर में नहीं रहते हैं, क्या आपका काम आपके बाद आप कोई देखिए ऐसा होता है कि कुछ चीजें हम अपने हैंडल में लेते हैं ना कि ये करेंगे, बाकी चीजें पेंडिंग रखेंगे। नहीं, तो हम जो है सिर्फ संचालन करते हैं विद्यालय का कि सही समय पर एग्जाम हो, उसके लिए परीक्षा प्रभारी अलग नियुक्त किए गए हैं। हाइपर मत होइए, आपसे रिक्वेस्ट है हाइपर नहीं होइए। बच्चों का भविष्य का सवाल है, बच्चों से पैसा लिया जा रहा है, बच्चे इसकी गवाही दे रहे हैं, और एक दो बच्चे नहीं है, सैकड़ों में बच्चे हैं। सही बात है ना, सैकड़ों में बच्चे हैं और सबका पैसा लगा है, 150 रुपया या 130 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया है, तो कोई तो इसकी जिम्मेदारी लेगा। जरूर, है नहीं लेगा। तो अगर हमने यह पूछ दिया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो क्या सब जिम्मेदारी आप हमको बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं, जिम्मेदार नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछा श्रीमान कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्कूल का मैनेजमेंट है, उसका मैनेजमेंट हेड को आने दीजिए। मैनेजमेंट हेड से ज्यादा ये पैसा, जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि बड़ा बाबू अकाउंटेंट वगैरह जो लोग होते हैं, ठीक है, उन्हीं लोग के साथ मिल के ये सब कलेक्शन वगैरह होता है। कौन है यहाँ पर, उनसे आप मिलवा दें मुझे तो बड़ी कृपा होगी। कौन है बताइए, बड़ा हूँ यहाँ बैठे हुए, पूछिए बड़ा हूँ, क्या जानकारी है, आया जाए। क्या कॉन्सेप्ट है सर, ये बच्चों का जो 130 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया है, आपके माध्यम से लिया गया है, किसके माध्यम से लिया है, कुछ जानकारी दीजिए ना। तो प्रभारी बता सकते हैं कि कौन आदमी एडमिशन किया है, कौन बैठे प्रभारी, इनको आदेश पंजी में आदेशित किया है एडमिशन करने के लिए। आपको जानकारी नहीं है? हमको जानकारी फिलहाल, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ किसी शिक्षक को, यहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय भी मुझे मिले हुए थे, लेकिन उनको भी जानकारी नहीं थी। और ये बच्चे जो यहाँ बता रहे हैं कि उनसे 150 रुपया के आसपास इच, लगभग 500 बच्चे बताए जा रहे हैं, उनसे पैसा लिया गया है और इसकी स्वीकृति ये बच्चे दे रहे हैं। कितना लिया गया है जी? 900 रुपया लिया रजिस्ट्रेशन फीस और एडमिशन फीस के नाम पर 900 रुपया ले जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गोरख धंधा यहाँ विद्यालय में किया जा रहा है।